हरे कृष्णा राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम ठाकुर जी का जो हमने कल वाले वीडियो में नेकलेस बनाया था उसी हिसाब से हम ये वाले इयररिंग्स कैसे बना सकते हैं। देखिए बहुत इजी है बनाने में और दिखने में इसके मैचिंग में बहुत सुंदर दिखते हैं। इस वाले नेकलेस के एकदम मैचिंग में है। अगर आप चाहे तो नेकलेस के साथ में पहना सकते हैं या फिर आपको अगर डिफरेंटली पहनाने हैं, इसको नेकलेस के साथ में नहीं पहनाने हैं, सेम सिर्फ आप इयररिंग पहनाए, आपको किसी भी नेकलेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसका ही लुक बहुत सुंदर आता है। देखिए मैंने ये वाला जो नेकलेस बनाया था, जो मैंने कल आपको बताया था, वो अभी अच्छे से सूख चुका है। कल अच्छा नहीं सुखाता है वीडियो बनाते वक्त, बट अभी देखिए इसके मोती जो है एकदम अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं और हिल रहे हैं। अभी तो ये गैप्स दिख रहे हैं, बट हम जब कान्हा जी को ये पहनाते हैं तो ये पूरे मोती ऊपर साइड में चले आते हैं, ठीक है, उठकर दिखते हैं मोती कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने ये जो नेकलेस बनाया था वो ये वाले स्टोन वाले इयररिंग्स के हिसाब से, मतलब मैंने पहले ये बना के देखे थे तब मुझे ये आइडिया आया था कि हम इस तरीके का बना सकते हैं। सो आप कौन से भी डिज़ाइन के साथ ये पर्ल्स लगा के इयररिंग्स बना सकते हैं, पर इसके अंदर जो है मैंने सिंपल वायर यूज़ की है। और आज वाले वीडियो में मैं आप सभी को जो हमने कल आई पिन यूज़ की थी वो यूज़ करके बनाना बताऊंगा। देखिए मैंने ये एक बना तो कम बना के देखी है तो ये अच्छी बनी है, तो सेकंड मैं आपको बना के बताऊंगा। सबसे फर्स्ट तो आपके पास पेपर लीजिए या बुकरम ले सकते हैं आप, और इसके ऊपर हम लीफ वाले स्टोन चिपकाएंगे। देखिए मैंने आज तक बहुत सारी वीडियोस बताई है नेकलेसेस की, बट उसके साथ में इयररिंग्स का जो सेट होता है वो नहीं बताया है। क्योंकि देखिए इयररिंग्स जो होते हैं हम वो किस तरीके से बनाते हैं, जो स्टोन होते हैं उसके अंदर हम नेकलेस में स्टोन यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम दूसरे जो अंदर के। देखिए मैंने ये वाले नेकलेस में ये वाला पर्ल यूज़ किया था, तो इयररिंग्स में भी मैं सेम पर्ल यूज़ करूँगा। उसी हिसाब से हम इयररिंग्स बनाते हैं। आप चाहे ब्लू कलर का स्टोन यूज करें तो ब्लू कलर के स्टोन के साथ इयररिंग बनाएं। अब देखिए यहाँ पे मैं बॉल चेन चिपका रहा हूँ एकदम गोलाई में। देखिए मैंने अब इसको चिपका के कट भी कर ये जो बॉल चेन है हमारी कट भी कर ली है। अब मैं इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूंगा, तब तक हम जो हमारी पिन्स जो होती है वो लेंगे। देखिए मेरे पास पिन है जो मैंने कल आपको बताई थी नेकलेस में यूज़ करने के लिए, इसे आई पिन बोलते हैं। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, तो इसका यूज़ करके हम नेल कटर से ही इसका भी वर्क करेंगे। नेल कटर लेंगे सिंपली और इसको पकड़ के हमें इस तरीके से इसके अंदर डाल के इसको पहले खोल लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमने खोल लिया। खोलने के बाद इसके अंदर मुझे 6 मोती डालने हैं, जो हमारे लोरियल्स वाले मोती है वो हमें 6 डालने हैं। हैंगिंग बीड्स, इसे आप अंगूर मनी भी बोल सकते हैं, अंगूर बीड्स से जो लोकल मार्केट्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत जन इसे अंगूर बीड भी बोलते हैं। एकदम आराम से इसके अंदर हमें ये जो 6 डालने हैं, मैंने नेकलेस में 5 ही यूज़ किए हैं, बट इसके अंदर हमें एक अच्छा हेवी लुक चाहिए तो हम इसके अंदर 6 डालेंगे, ठीक है। देखिए मैंने 6 इसके अंदर भर दी है। इसके बाद में देखिए नेल कटर के साथ ही मुझे यहाँ पे इस तरीके से पकड़ना है इसे और अंदर साइड में मोड़ देना है। अंदर साइड मोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। ये बहुत सुंदर दिखते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली इनको बनाते वक्त बहुत मज़ा आता है। और हम इसे प्यार से बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से। देखिए अब हमारा जो हमने ये बनाया था जो बेस, उसको अब हम यहाँ पर से थोड़ा सूखने देंगे,
बाद में हम इसको कट कर लेंगे, और इसके साथ ही इसके बराबर ही एक पेपर का भी हम कट कर लेंगे ताकि हम डायरेक्टली इसके ऊपर ये अप्लाई कर सके। देखिए अब मैंने ये इसको कट भी कर लिया है इसके हिसाब से, तो अब हमारा जो जो हमने बनाया था वो लेंगे और इसको इसके साथ नाप कर देखेंगे और इसको कट कर देंगे। देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा नीचे से रख के इसको इस तरीके से ऊपर साइड से हमें कट करना है। एक अंदाजे से हम छोटा ही काटेंगे वैसे तो, बट मैं आपको बता रहा था कि हम इसको कट कैसे करेंगे। फिर नेल कटर का यूज़ करके हम इसको आराम से कट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखिए बहुत छोटा रखा है मैंने। अब जो इसकी डंडियाँ बचती है आपको इसको फेंकना नहीं है, आप इसका वर्क इसके सेम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अभी इसको हम पकड़ेंगे, इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे। ग्लू हमें काफ़ी अच्छे से लगाना है, और जिस तरीके से मैंने बताया था आपको वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि हमें ये कैसे लगाने हैं। देखिए जो हमारे ये वाले होते हैं हमें इस तरीके से रख के इसके ऊपर, जब हम इयररिंग के ऊपर रखते हैं तो हमें इस तरीके से पेस्ट करना होता है। हमें इस तरीके से सीधा नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से रख के हमें इसके अंदर पेस्ट करना है। जब अब ये मोतियों की वजह से दिखेगा नहीं, इसके वजह से मैं खाली लेकर बता रहा हूँ आपको। बाद में जब हमारे ये वाले जो है मोतियों के हमने बनाए वाले, उसका हम एंड पकड़ेंगे और इसको सीधा हम इस तरीके से हाथों में पकड़ के इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। रख के हम इसके मोती पूरे नीचे ले लेंगे और इसके ऊपर जो हमारा जो हमने एक्स्ट्रा और एक पेपर कट किया था वो रख देंगे और इसको अच्छे से अंदर में दबा देंगे ताकि ये अब अच्छे से सेट हो जाए, इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए। अगर ये आपका थोड़ा बाहर आपको लगता है तो थोड़ा अंदर आप धकेल सकते हैं। चिपकाने के बाद देखिए मेरा कुछ इस तरीके से अब ये बन गया है। अब मैं इसके बैक साइड में ये वाली जो हमारी इयररिंग की डंडी आती है वो चिपकाऊंगा। हम सिंपली चिपका सकते हैं या फिर पेपर के साथ भी चिपका सकते हैं। तो एक राउंड में पेपर अभी लेंगे हम और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगा के हमारी जो डंडी है उसको नीचे साइड में चिपका देंगे। पेपर मैंने इसके ऊपर, तो पेपर के साथ हमने देखिए होल बना दिया था पहले, तो इस तरीके से पेपर लेके एक होल बना के इस तरीके से मैंने बना दिया था। ठीक है, उसी हिसाब से अब हम इसके साथ भी किया है। अभी हम पूरा अच्छे से चिपका लेंगे। और इसको अच्छे से अब सूखने देंगे ताकि ये हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद हम ठाकुर जी के कानों में इसे बड़े इजीली बड़े आसानी से पहना सके। तो सेम सेकंड वाली इयररिंग के साथ भी मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। आई होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट और सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे साथ लिखिए। अगर आप इस तरीके की ज्वेलरी एंड इस तरीके का कोई भी नेकलेस ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में फेसबुक के लिंक पे शेयर कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके बाजू वाला बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो में डालूँ वो सबसे फर्स्ट आप देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वाली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।